दोस्तों अगर आप भी सूर्य कुमार यादव और पांड्या को बेहतरीन खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों तीसरे T20 मुकाबले में अपनी धांसु बल्लेबाजी के दम पर भारत को जिताकर सूर्य कुमार यादव ने अपने से ऐतिहासिक शतक और धोनी कोहली रोहित को भी याद कर पूरे देश पर भी कुछ ऐसा कह दिया कि 100 करोड़ भारतीयों का दिल जीत लिया। आखिरकार सूर्य कुमार यादव ने क्या कहा, आपको उनके बयान का पूरा वीडियो दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है सूर्य कुमार यादव और बाबर आजम में कौन एक बेहतर खिलाड़ी है, नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। दोस्तों सीरीज के अंतिम व निर्णायक T20 मुकाबले में आज कुछ ऐसा हुआ राजकोट के मैदान में कि देखकर हर कोई दंग रह गया, हर किसी की आंखें नम हो गई और खड़े होकर सबने सूर्य कुमार यादव को मानो सलाम ही कर दिया हो। आज रात तो हो रही थी, लेकिन रात को सूर्य उदय होता हुआ सबने पहली बार देखा होगा। दोस्तों जैसे ही ये मैच शुरू होता है वैसे ही भारतीय क्रिकेट टीम की बल्लेबाजी को गिरने में ज्यादा वक्त नहीं लगता। ईशान किशन तो 200 पारी के पहले ही ओवर में आउट हो जाते हैं, लेकिन इसके बाद शुभमन गिल का साथ देने एक ऐसा खिलाड़ी आता है जो फिर खेल की परिभाषा ही बदल देता है। जी हाँ, हम बात सूर्य कुमार यादव की ही तो कर रहे हैं। दोस्तों सूर्य कुमार यादव मैदान में आते हैं और मानो गेंद सीधा स्टेडियम से बाहर ही रहती है। दोस्तों सूर्य कुमार यादव जैसे ही मैदान में कदम रखते हैं तो कर्ण रत्ने मधुशंकर से लेकर हसरंगा हर किसी को चौके और छक्कों की बरसात करते हुए ये बल्लेबाज सबको झेला कर रख देता है। यहाँ तक कि दोस्तों शुभमन गिल भी देखकर इनकी बल्लेबाजी की रफ्तार थोड़ा सहम जाते हैं, क्योंकि मात्र 24 गेंदों के अंदर इस खिलाड़ी ने अपना 50 पूरा कर लिया था, जिसमें उन्होंने 6 छक्के लगाए थे और उसके बाद तो सूर्य ने पीछे मुड़कर देखा ही नहीं। 40 गेंदों के अंदर दोस्तों इन्होंने 220 के स्ट्राइक रेट से 95 रन जड़ दिए और फिर अपनी ही पारी की 45वीं गेंद पर इन्होंने दोस्तों शतक जड़कर सारे रिकॉर्ड तोड़ डाले। दोस्तों सूर्य कुमार यादव ने अपनी शतकीय पारी में 9 छक्के लगाए और साथ ही साथ 6 चौके भी जड़े। जाते जाते भी दोस्तों सूर्य नाबाद गए और 112 रन बनाकर गए, जिसके चलते हम विरोधी टीम को 229 का टारगेट देने में कामयाब हो सके हैं। अब दोस्तों लक्ष्य का पीछा करने उतरी श्रीलंकाई टीम की शुरुआत तो अच्छी थी, लेकिन गाड़ी 5वें ओवर के बाद धीमी पड़ गई। चहल के नाम 2 विकेट रहे तो उमरान मलिक भी 1 विकेट ले गए। इतना ही नहीं, आज तो कप्तान साहब हार्दिक पांड्या ने भी 2 विकेट अपने नाम कर लिए थे और बैक टू बैक विकेट जब गिरते ही जा रहे थे तो दोस्तों 123 पर ही श्रीलंकाई टीम के 7 विकेट गिर गए। इसके बाद जीत नामुमकिन थी, क्योंकि 30 गेंदों में उन्हें 100 से ज्यादा रन चाहिए थे और भारतीय क्रिकेट टीम आज 100 से ज्यादा के अंतर से जीती है, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। लेकिन ये मुमकिन हुआ सूर्य कुमार यादव की बदौलत। लेकिन दोस्तों मैच जीतने के बाद सूर्य कुमार यादव ने अपने बयान में क्या कहा है, चलिए आपको उनके बयान का वीडियो दिखाते हैं। दोस्तों सूर्य ने भावुक होकर अपने बयान में कहा, ये मुकाबला जिंदगी भर याद रहने वाला है। इस मैदान पर हमने काफी क्रिकेट खेला है, घरेलू भी और अंतर्राष्ट्रीय भी, तो मैं जानता हूं कि इस मुकाबले के चप्पे चप्पे पर किस तरीके से रन लगाने होते हैं। लेकिन सबसे पहले इस जीत का श्रेय देना चाहूंगा हमारी टीम के सभी मेंबर्स को, हमारे कप्तान हार्दिक पांड्या को जो हमेशा खुले दिल से सभी खिलाड़ियों का समर्थन करते हैं, उन्हें उनके नेचुरल वे में खेलने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। ऐसा कप्तान जब साथ में हो तो जीत तो वैसे ही मुमकिन हो जाती है। उधर श्रीलंकाई टीम की भी तारीफ बनती है, दूसरे मैच में अगर वो फाइट बैक नहीं करते तो तीसरे मैच में इस तरीके का जोश शायद मेरे अंदर कभी दिखता ही नहीं। जब मैदान पर उतरा तो केवल एक ही फितूर सवार था, देश के लिए बड़े से बड़ी पारी कम से कम गेंदों में खेलनी है और तभी एक बड़ा अच्छा स्कोर बन पाएगा। और हार्दिक पांड्या के समर्थन के चलते मैं बड़े शॉट लगाने की पूरी तरीके से कोशिश भी कर रहा था और उसमें सफल भी रहा। लेकिन इस शतक को कहीं ना कहीं मैं रोहित कोहली और धोनी भाई के भी नाम करना चाहूंगा, क्योंकि अगर इतने बड़े दिग्गज मेरी बल्लेबाजी में अपनी सलाह के चलते सुधार ना लाते तो शायद इस मकाम पर आज पहुंच ही नहीं पाता। और तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूंगा अपने उन करोड़ों फैंस का जो हर मैच में मुझे समर्थन करते हैं। ये तो बस शुरुआत है, अभी तो आगे हमें विश्व कप भी जीतना है। दोस्तों सूर्य कुमार यादव ने अपने बयान में सबके कसीदे पढ़ दिए बस अपने आप को छोड़कर, लेकिन इस दिग्गज की बल्लेबाजी की तारीफ पूरी दुनिया कर रही है। परंतु आप सभी को क्या लगता है सूर्य कुमार यादव, बाबर आजम और रिजवान में बेहतर कौन है, नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। और अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को। धन्यवाद।